हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर पुलिस और बदमाश में फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई, पर हत्या का आरोपी और दलू गैंग का सरगना पहाड़ से गिरकर घायल हो गया। उसके पास से दो देसी पिस्टल और दो दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं। इस बदमाश पर हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े समेत आर्म्स एक्ट के तहत दर्जन मामले दर्ज है। मामला अल सुबह का है, जब तोशाम क्षेत्र के पिंजोखरा गांव में भिवानी सीआईए वन टीम हत्या के आरोपी और दलू गैंग के सरगना बदमाश दलवीर को पकड़ने गई। तब बदमाश दलवीर उर्फ दलू ने पुलिस टीम पर फायर किया और भागने लगा। आपको बता दें कि पिंजोखरा गांव में जहां ये बदमाश छुपा था, वो पहाड़ के नीचे एक बंद क्रेशर था। जब ये फरार कर भागते हुए पहाड़ पर चढ़ा तो अचानक पहाड़ से गिरकर घायल हो गया। तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। फिलहाल घायल बदमाश दलवीर उर्फ दलू को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तोशाम क्षेत्र में काशी गैंग और दलू गैंग के बीच कई सालों से टकराव चल रहा है। इसी के चलते दलू गैंग का सरगना दलवीर हत्या के केस में फरार चल रहा था। पुलिस को काफ़ी समय से इसकी तलाश थी। देर रात सीआईए वन टीम को गुप्त सूचना मिली कि दलू गैंग का सरगना दलवीर अपने गांव पिंजोखरा के पहाड़ के पास बंद पड़े क्रेशर में छिपा है। तो सीआईए वन की टीम ने सुबह 4 बजे दबिश दी। सीआईए वन टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश हुड्डा ने बताया कि बदमाश दलवीर ने खुद को घिरा देखकर पुलिस टीम पर 2 फायर किए और भागकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी वो फिसल कर गिरा और उसकी टांग टूट गई। इसके बाद बदमाश दलवीर को काबू कर लिया गया। भिवानी से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। आज पुलिस एक बदमाश को लेकर आई थी, उसका इलाज करके उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये हमको सूचना मिली थी जो हमारी टीम को कि दलवीर दुल्ला है जो पिंजोखरा निवासी है, ये 307 में वांटेड था, हमारे मेन मुलजिम था। तो जिसको इसने चोटें मारी थी उसकी लड़के की टांग कट गई थी। जो इसके कुछ साथी तो पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये काफ़ी टाइम से फरार था। जो इसके पीछे हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, इसकी हमें मुखबरी मिली एसआई बलजीत को, टीम को पूरी को, कि भाई ये यहाँ अपने खरकड़ी सोहान है, जो धारण और खरकड़ी सोहान के बीच में जो कच्चा रास्ता है वहाँ पे ये बंद करेसरों में रुका हुआ है। तो इसके ऊपर जब टीम ने चारों तरफ से घेरा डाला तो ये टीम के ऊपर फायर करते हुए भाग लिया। जो टीम के ऊपर इसने काफ़ी फायर करे, उसके बाद ये भागता भागता पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया, जो वहाँ से गिरने के कारण इसके चोटें लगी हैं, इसलिए यहाँ इसको एडमिट करवाया गया। ऊपर पहले भी 302 के 307 के आर्म्स एक्ट के लड़ाई झगड़े के काफ़ी दर्जन के करीब मामले दर्ज हैं, जिसको हम काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।